हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं इमरान। आज मेरे पास है Vivo V17। जो मैंने पहले Vivo V17 का अनबॉक्सिंग किया था वो तो ब्लैक कलर में, मिडनाइट ब्लैक कलर में, लेकिन मेरे पास जो फ़ोन फिलहाल है Vivo V17 का, कुछ इस तरह से बॉक्स आता है और साथ ही साथ इस फ़ोन का जो कलर है वो है ग्लेशियर आइस वाइट। तो इसी फ़ोन को इस वीडियो में करेंगे अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ Vivo V17 से जुड़े सारे स्पेसिफिकेशंस बताऊँगा। Vivo V17 के पीछे मेंशन किया गया है 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, आई व्यू डिस्प्ले, 20:9 का यहाँ पे E3 सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो फिलहाल Vivo V17 को करते हैं अनबॉक्सिंग और इस फ़ोन का लुक्स, डिज़ाइन और साथ ही साथ कैमरा रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, वीडियो को देखते रहिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे सील किया हुआ है Vivo V17, और इस फ़ोन को जैसे ही यहाँ पे सील को ब्रेक करते हैं हमें, और जैसे ही इस बॉक्स को ओपन करते हैं क्या कुछ दिया गया है देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर एक सेक्शन मिलता है, अगर इस सेक्शन को खोलेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड कर दिया गया है इस फ़ोन के साथ में। यहाँ पे देख सकते हो एक टाइप सी केबल, काफ़ी अच्छा शानदार होने वाला है डेफिनेटली ये केबल। देख सकते हो यहाँ पे 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी करेगा, और बाकी यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल, केस कवर डेफिनेटली यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है, IMEI स्टिकर वगैरह, और बाकी कुछ इस तरह से प्रोटेक्शन के साथ में ये Vivo V17 का आइस वाइट कलर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पे एक हमें हेडफोन प्रोवाइड कर दिया जाता है Vivo की तरफ से, काफ़ी बेहतरीन हेडफोन इस फ़ोन के साथ प्रोवाइड कर दिया गया है। और बाकी देखा जाए तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है 9 वोल्ट एंड 2 एम्पियर का एक अडोप्टर, और ये अडोप्टर सपोर्ट करता है 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। बाकी कुछ इस तरह से ग्लेशियर आइस वाइट में हमें Vivo V17 नज़र आता है। पीछे का लुक्स देख सकते हो, काफ़ी शानदार लग रहा है, और यहाँ पे बॉडी जो है वो ग्लास से बना हुआ है, और यहाँ पे Vivo का ब्रांडिंग और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमें क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है वो काफ़ी शानदार इस फ़ोन को बनाता है। यहाँ पे जिक्र किया गया है 48 मेगापिक्सल का। ओवरऑल फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे स्पीकर ग्रिल नीचे टाइप सी पोर्ट, और साथ ही साथ एक प्राइमरी माइक और 3.5 mm ऑडियो जैक नीचे की तरफ हमें देखने को मिल जाता है। और इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पे सिम ट्रे नज़र आता है, और इस फोन का जो सिम ट्रे है वो दोनों सिम एंड माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट करता है। और इस साइड में हमें वॉल्यूम रॉकर और साथ ही साथ पावर वर्जन देखने को मिल जाता है। और इस फ़ोन का जो लुक्स, डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी शानदार है, और साथ ही साथ इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी अच्छा है। वैसे मैं इस फ़ोन का लुक्स, डिज़ाइन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ ये ग्लेशियर आइस वाइट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी कुछ इस तरह से हमें डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ये जो डिस्प्ले है ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, और यहाँ पे कोई भी वेजल हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन पंच होल कैमरा यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है डिस्प्ले के अंदर, यानी इन डिस्प्ले कैमरा भी रहने वाला है इस फ़ोन में, और साथ ही साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाएगा। और इस फ़ोन का जो हमें डिस्प्ले देखने को मिल जाता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, इस फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर और साथ ही साथ फेस अनलॉक बढ़िया तरीके से काम करता है। डेफिनेटली यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी फास्ट होने वाला है। और अगर बात करें इस फ़ोन के डिस्प्ले को लेके, तो इसमें जो आपको डिस्प्ले दिया गया है वो 6.44 इंचेस का यहाँ पे फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 84.3% रहने वाला है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है 1080x2400 का पिक्सल्स रहने वाला है, 20:9 का यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो रहेगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। इस फ़ोन में जो आपको एंड्रॉइड वर्जन मिलता है वो 9 मिलता है। जो प्रोसेसर है क्वालकम स्नैपड्रैगन 675 का चिपसेट मिलेगा, तो क्वालकम स्नैपड्रैगन 675, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज। यहाँ पे जो फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 9.2 रहने वाला है। तो परफॉर्मेंस ओवरऑल बात करूँ, गेमिंग हो या फिर बाकी स्पीड के मामले में, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ताकत होगा इस फ़ोन का क्वालकम स्नैपड्रैगन 675 के साथ में। जो इसमें आपको GPU देखने को मिलेगा वो एड्रीनो 612 का रहने वाला है। और अगर बात करूँ इस फ़ोन की बैटरी को लेकर, जो 4500 mAh का बैटरी, और वो भी 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है, तो बैटरी परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतरीन रहेगा। वैसे मैं कैमरा फीचर्स को लेकर बात करूँ, इसमें आपको जो मेन कैमरा मिलता है वो 48 मेगापिक्सल का है, अपर्चर F1.78 के साथ में, अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए यहाँ पे 8 मेगापिक्सल, बोके इफेक्ट के लिए 2 मेगापिक्सल, सुपर मैक्रोमेड के लिए यहाँ पे 2 मेगापिक्सल, और साथ ही साथ यहाँ पे जो सेल्फी है वो 32 मेगापिक्सल का है। यहाँ पे कुछ फोटोज देख सकते हो, मैंने इसी फोन के साथ यहाँ पे क्लिक किया है, और बेहतरीन शानदार फोटोग्राफी भी प्रोवाइड करता है Vivo V17।
तो यही था Vivo V17 का ग्लेशियर आइस व्हाइट कलर का अनबॉक्सिंग। बात करते हैं इस फोन के प्राइस को लेके, जो इसमें आपको इंडिया में प्राइस रखा गया है वो 22,990 यानी 23,000 का ये डिवाइस है, जिसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले कैमरा, क्वाड कैमरा सेटअप, 48 मेगापिक्सल का, 4500 मिली एम्पियर का बैटरी, 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 6.44 इंचेस का E3 सुपर एमोलेड डिस्प्ले फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 के साथ में। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।